जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, पिछले लंबे दिनों से मैं धनगर समाज की आवाज को लगातार उठा रहा हूं। इन दोनों मथुरा के अंदर धनगर समाज भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है और इसी संघर्ष को दिखाने के लिए हम भी आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इस देश में रहने वाली तमाम वो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित जातियों का किसी भी तरह से नारा बुलंद करें, उनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करें। साथियों, इन दिनों 20 तारीख को मथुरा के अंदर धनगर समाज का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने शासन प्रशासन की नींद खोल के रख दी, जिसने शासन प्रशासन की महकमे में हड़कंप मचा दिया। लगातार ये कहा जा रहा था कि मथुरा के अंदर मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी अभी तक नहीं आ पाए और तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया कि सूबे के डीआईपी मुखिया जब आ रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं तमाम डीआईपी इंतजाम भी किए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए धनगर समाज का जो धरना चल रहा था उसको हटाने के लिए शासन प्रशासन ने तमाम सारे प्रयास किए, लेकिन धनगर समाज भी अड़ा रहा क्योंकि लोकतंत्र में हर समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, जबकि संविधान धनगर समाज को सुरक्षित और आरक्षण की व्यवस्था देता है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन और इस शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी बैठे हुए ये बात मानने को तैयार नहीं। ये उसी मथुरा जिले में धनगर समाज की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है शासन, जिस जिले में डीसीबी की चेयरमैन निरंजन सिंह धनगर प्रमाण पत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका बेटा धनगर प्रमाण पत्र से जिला पंचायत सदस्य है। ये उसी प्रदेश में धनगर समाज की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रदेश का व्यक्ति इसी सरकार में मिनिस्टर बना बैठा है। एसपी सिंह बघेल आगरा की लोकसभा सुरक्षित सीट से सांसद बने बैठे हैं और उसके बावजूद भी ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए धनगर समाज ने यह फैसला लिया कि शासन प्रशासन जिस आवाज में समझेगा और जिस तरीके से समझेगा, कि धनगर समाज उसी तरीके से समझाने को तैयार है। और बेबस कमजोर असहाय लाचार था कब तक ये धनगर समाज, लेकिन अब धनगर समाज लगातार जोर शोर से अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। मथुरा के अंदर 20 तारीख से पहले लगातार प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी ओर से धनगर समाज के ऊपर और धनगर समाज का जो इन दिनों आंदोलन चल रहा है धनगर विकास समिति के तहत, उसके पदाधिकारियों को दबाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही धनगर समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, डीएम कार्यालय का घेराव शुरू किया, उसके बाद में शासन प्रशासन की नींद खुल गई। अरे, मथुरा में ये धनगर समाज कम संख्या में नहीं है, ये तो केवल दिखाने भर के लिए था और धनगर समाज ने खुले तौर पर इसी धनगर समाज के क्रांतिकारी लोगों ने ये ऐलान भी कर दिया है कि यदि धनगर प्रमाण पत्र नहीं बने तो हम होली तक बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन जाते हर आम आदमी के। क्योंकि साथियों, अक्सर देखा गया है कि ताकत के जोर पर और सत्ता शासन प्रशासन में जिसके पास पावर है वो तो अपना धनगर प्रमाण पत्र बनवा ले रहा है और उसी धनगर प्रमाण पत्र को उसी के समाज के व्यक्ति को अधिकारी ये कहकर कैंसिल कर देते हैं कि आप नकली धनगर हो। लेकिन बताइए साथियों, क्या आज जो मथुरा में आंदोलन कर रहे हैं ये नकली धनगर हैं? साथियों, इनके खून में धनगरों का खून है, इनके खून में असली अहिल्याबाई होलकर का खून है, लेकिन ये अधिकारी अभी भी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये देखा गया है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा धनगर समाज के नारों से, क्योंकि आज धनगर समाज में इंकलाब की जरूरत है। आज इस धनगर समाज में भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है जो 18-18 साल पे तमाम जो देश के सिपाही, देश को आजाद कराने वाले सिपाही फांसी के फंदे पर झूल गए थे, आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है इस धनगर समाज को, क्योंकि ये धनगर समाज आजादी के 76 साल बाद भी आजाद नहीं हो पाया। संविधान इसे दर्जा देता है एससी का,
लेकिन उसके बावजूद भी इसको मजबूरन और जबरन ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया। इसको ओबीसी के प्रमाण पत्र दिए गए, क्योंकि साथियों आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसको समाज के अशिक्षित लोग शायद कभी नहीं समझ सकते, और जो लोग समझे हैं वो लोग आरक्षण की भी ताकत को समझते होंगे कि इस देश में रहने वाली लगभग हर जाति को आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। इस देश में रहने वाली जिन लोगों को ऊंची जाति कहा जाता है, जिन लोगों को पिछड़ी जाति कहा जाता है, जिन लोगों को दलित जाति कहा जाता है, हर एक जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है, ताकि वो समाज इस देश में उन्नति कर सके, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और साथियों, लेकिन इस धनगर समाज को आजादी के 76 साल बाद भी उसकी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से समाज को दूर रखा गया, और इस समाज का इसको दर्द होता है, इसीलिए आज ये सड़कों पे नजर आ रहा है। सारे समाज ने ये खुल करके कह दिया है कि चाहे मोदी जी आए, चाहे योगी जी आए, चाहे देश का सूबे का कोई भी मुखिया आए, हम सबका विरोध करेंगे यदि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें हक नहीं दिया जाएगा। साथियों, लगातार मैं धनगर समाज की अपडेट से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।